नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वायराकी। अक्सर आप मुझे YouTube पे, Instagram वगैरह पर देखते रहते हैं। नव वर्ष आपके लिए बहुत सुखमय हो, लेकिन नंबर बनता है 7 और 7 नंबर बनता है केतु का। तो मैं बता दूं, केतु कहता है कि तू है क्या। केतु आपको आपसे पहचान करवाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे कुछ एस्ट्रोलॉजर ग्रह मानते भी हैं और कुछ नहीं भी मानते, एक छाया ग्रह है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुरु का चेला है केतु। अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ष आपका बहुत अच्छा रहे, तो अपने गुरु को मजबूत करें और पानी में हल्दी डालकर स्नान करें और केसर का तिलक माथे पर जरूर करें, गुरुओं की सेवा करें और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2021 और 22 बॉलीवुड के लिए अच्छे नहीं रहे, 2023 में बॉलीवुड से क्या उम्मीदें हो सकती हैं? बॉलीवुड के लिए 2022 बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्या 2023 में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं? इसी तरह का सवाल है ना आपका। जी हाँ, वैसे तो देखा जाए तो 2022 बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए था, क्योंकि अगर हम दो को जोड़े, दो दो दो, तो नंबर बनता है 6 और 6 नंबर होता है शुक्र का, और बॉलीवुड का भी कहीं ना कहीं लेना देना शुक्र से ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं रहा ये वर्ष, क्योंकि ये वर्ष महिलाओं से जुड़ा हुआ था। अगर महिलाओं से जुड़ी हुई पिक्चरें आती या महिलाओं को आगे रखकर पिक्चरों को रखा जाता, किया जाता, तो पिक्चरें बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2023 में बॉलीवुड कुछ अच्छा कर पाएगा? तो जवाब है हाँ। 2022 के कंपैरेटिव 2023 में बॉलीवुड बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना पिछले कुछ सालों में किया। लेकिन हाँ, 2022 से बेहतर 2023 होगा, और इसमें कुछ पिक्चरें धमाल कमाल करेंगी, लेकिन उसमें भी मुझे अपने नॉर्थ की पिक्चरों से ज्यादा साउथ की पिक्चरें कमाल करती हुई दिखाई दे रही हैं। देश की आर्थिक परिस्थिति 2023 में किस तरफ इशारा कर रही है? 2023 में आर्थिक परिस्थितियां कैसी रहेंगी? ओए होए, अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि मंदी का सामना देश को इस वर्ष करना पड़ेगा, महंगाई चरम सीमा पर होगी और कई आंदोलन सड़कों पर हमें किसान आंदोलन की तरह उतरते हुए दिखाई देंगे। वैसे 2023 की बात की जाए तो ये एक इंग्लिश कैलेंडर की तरह है। हम ये कभी भी नहीं भूल सकते कि सनातन धर्म के हिसाब से विक्रम संवत 2080 आने वाला है, और विक्रम संवत जब 2080 हमारे जीवन के अंदर आएगा तो वो आएगा अप्रैल में हमारे नवरात्रों के साथ। उस टाइम पर हमारे जीवन के अंदर हमारा ग्रह दशाएं बदलेंगी, और अप्रैल से ही इस वर्ष बहुत सारे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे 17 जनवरी को शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, वहीं पर 22 अप्रैल को अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है जो गुरु कर रहा है, और 30 अक्टूबर को राहु और केतु अपना जो है ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जो एक खगोलीय घटना होने जा रही है, इसका असर मेरे और आपके जीवन में बहुत पड़ेगा। इस वर्ष गुरु चंडाल योग भी बनेगा, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचेगी, और हमें आर्थिक परिस्थितियों में अपने पैसे को कल के लिए जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में 2023 में पैसे की किल्लत फिर से होने वाली है और बाजार में मंदी आने वाली है। 2023 में यंग जनरेशन को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 2 साल जॉब मार्केट के हिसाब से काफी खराब रहे। एक कोविड ने हमें एक अलग सी चीज दे दी है, वर्क फ्रॉम होम। बहुत सारे लोगों की नौकरी भी खाली है। अब दिल में ये सवाल उठता है, क्या 2023 में भी यंग जनरेशन को नई जॉब्स मिलेंगी? तो मेरा कहना है आपसे कि जॉब्स मिलेंगी, लेकिन पहले जैसी जॉब्स नहीं मिलेंगी, बल्कि जिनके पास जॉब्स हैं उनकी जॉब्स भी जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सच सुनने की हिम्मत हो तभी आप ये ज्योतिष का सामना करें, लेकिन मंदी की वजह से, नई जॉब्स, नए सेक्टर्स आने की वजह से नौकरियां तो लोगों को मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उनकी सैलरी उतनी नहीं होगी जितने की वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। और हाँ, 2023 में भी बहुत हद तक हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर भारत का स्थान 2023 में क्या और बेहतर होगा? ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थितियां पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, भारत मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जैसे हमने पास्ट में कोविड की वैक्सीनेशन बनाकर पूरी दुनिया के सामने एक मसाल रखी कि पूरे भारतवर्ष में किस तरह से आगे बढ़ बढ़कर लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई, लेकिन आने वाले टाइम में भी भारत का झंडा बुलंद रहेगा, झंडे गड़ेंगे। लेकिन ये भी हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे दुश्मन पड़ोसी, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, उनसे युद्ध की स्थितियां भी हमें दिखाई देंगी, जिसकी वजह से भी भारत जो है ग्लोबल तौर पर कहीं ना कहीं सुर्खियों पर जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं भारत की बातें पूरे विश्व में होती रहेंगी, और हाँ,
हमारी स्थितियां पूरे विश्व में पहले से मजबूत होंगी हर पैनल पर, चाहे मैं टेक्नोलॉजी कहूं, चाहे मैं आपसे कहूं शिक्षा के माध्यम से, चाहे मैं कहूं कि आपको हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, हमारी राजनीतिक उथल पुथल को लेकर, कहीं ना कहीं भारत की बातें पूरे विश्व में होती रहें। इस समय जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, 2023 में वॉर को लेकर आपका ज्योतिष क्या कहता है? यूक्रेन के युद्ध की बात से पहले तो मैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना से युद्ध की बात भी कर लूँ, तो ये युद्ध की स्थितियाँ और भी देशों में उभर कर आगे आती हुई दिखाई देंगी। अभी हमें सिर्फ यूक्रेन का युद्ध दिखाई दे रहा है, हम खुद भारत ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि आज चाइना से युद्ध हुआ और कल हुआ, लेकिन इसको कहने में भी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि ज्योतिषी गणना के अनुसार ऐसा टाइम आएगा अप्रैल और अक्टूबर के महीने के बीच में, और खासकर जब गुरु चंडाल योग बनेगा, जिस स्थिति में आपको ऐसा लगेगा कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बात और है कि वर्ल्ड वॉर होते होते रुक जाएगा, लेकिन स्थितियां पूरे विश्व में बहुत गंभीर रहने वाली हैं युद्ध को लेकर। लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं और अक्सर हम देखते हैं कि एक साल पहले ही चुनाव की आहट शुरू हो जाती है, तो क्या आप कोई बड़ा उलटफेर देख रही हैं? जनवरी के महीने में 17 जनवरी को जैसे ही शनि कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, बहुत से राज्यों में इनफैक्ट उससे पहले ही हमें सरकारें गिरती हुई दिखाई देंगी, जिसमें मैं बिहार, राजस्थान का नाम खास कर लूंगी, मतलब बहुत उथल पुथल होगी। अगर मैं पंजाब का नाम लूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, मतलब अगर मैं हिमाचल का नाम लूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। जहां पर ऑलरेडी सरकारें चल रही हैं वहां पर भी सरकारों में उथल पुथल होगी। जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट छोड़कर दूसरे मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 2023 में किसी बड़े राजनेता को घात पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है, किसी बड़े राजनेता को हम 2023 में खो सकते हैं। 2023 में ऐसी कौन सी चार राशियां होंगी जिन्हें संभल कर रहना होगा? सबसे पहले मेष राशि को संभल के रहना होगा, क्योंकि आप ही की राशि के अंदर गुरु गोचर करेगा और ये 22 अप्रैल को होगा। जैसे ही गुरु आपकी राशि में गोचर करेंगे, वहाँ पर आपकी राशि के मतलब मेष राशि में गुरु चंडाल योग भी बनेगा, जिससे मेष राशि वालों की जिंदगी में उथल पुथल होगी। दूसरी राशि जिसे संभल कर रहने की मैं सलाह दूंगी वो है मकर राशि। तीसरी राशि जिसे मैं संभल कर चलने की सलाह दूंगी कुंभ राशि। और चौथी और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि पर शनि की सारस्वती का पहला चरण शुरू हो रहा है, तो सर से जुड़ी हुई समस्याएं, सर में दर्द होना, सर में चोट लगना और आपके बनते बनते कामों का रुक जाना, इनफैक्ट कई बार आपकी चलती हुई नौकरी का भी चले जाना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। कुंभ राशि वालों का विवाहित जीवन खराब रहेगा, मकर राशि वाले कोर्ट कचहरी के केसों में लड़ते हुए दिखाई देंगे। 2023 में ऐसी कौन सी चार राशियां आप बता सकती हैं जिनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है? जी हाँ, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा समाचार है, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समाचार है, और आने वाले टाइम में वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा समाचार है, और धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा समाचार है। इन चारों राशियों के लोग जो है, जातक जो है, वो घर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, आने वाले टाइम में विदेश यात्राएं हो सकती हैं, सरकारी नौकरी भी लग सकती है। पिछले 2-3 साल एजुकेशन सेक्टर के लिए काफी खराब रहे, 2023 में एजुकेशन सेक्टर के लिए आप क्या उम्मीद देख रही हैं? देखिए, अगर मैं आपसे सच बोलूं तो एजुकेशन सेक्टर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, चाहे कोविड चला या ना चला, एजुकेशन सेक्टर वालों ने अपनी फीस पूरी ली है, किताबें फिर भी बिकी हैं, यूनिफॉर्म भले ना बिकी हो, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानती हूँ, और आगे भी मुझे स्टूडेंट्स को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। केतु भ्रमित करता है, केतु हमें सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, किसान खेती नहीं करना चाहेंगे, जवान जो युद्ध के लिए खड़े होते हैं सीमाओं पर, वो कहेंगे हमें युद्ध नहीं लड़ना है, मतलब इंसान ऐसी बातें करेगा, हो ये कैसे कर सकते हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, क्योंकि केतु में दिमाग नहीं होता, और केतु कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी बातें कहेगा जहां बच्चे कहेंगे कि ऐसे स्कूल खोलने चाहिए कि हम वर्क फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम करें, हमें स्कूल जाना ही नहीं है, डिजिटल ही अगर हम पढ़ाई करना चाहें तो हम कर सके। आगे भी आने वाले टाइम में विद्यार्थियों के लिए केतु 2023 का साल बहुत अच्छा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2023 क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है? आत्मनिर्भर भारत, ब्रह्मांड, इसके ऊपर और बड़ी रिसर्च होंगी, नए नए ग्रहों के बारे में, नए नए यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, जहां दुनिया भारत को सलाम करेगी वहीं भारत अपनी आंदोलनिक लड़ाइयों से ही लड़ता रहेगा,
चाहे वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हों, चाहे धर्म को लेकर बात हो, चाहे मंदिर को लेकर बात हो, चाहे मस्जिद को लेकर बात हो, चाहे स्कूल के बच्चों को लेकर बात हो, आप देखेंगे कि केतु जो होता है वो धर्म से जुड़ी हुई बातों को करता है। तो इस वर्ष धर्म और धर्म से जुड़ी हुई घटनाएं भी बहुत ज्यादा होंगी। भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा लेकिन ग्रह कलेशों की वजह से कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में रहेगा और उसकी स्थितियां और उसकी आमदनी, उसकी उसको मंदी का सामना करना पड़ सकता है 2023 में। 2023 भारत की युवा पीढ़ी के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा साबित होगा। 2023 यंग स्टूडेंट्स के लिए नए फोन्स, नई गाड़ियां, नई टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे रॉबोट्स लेकर आ रहा है, ऐसे ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जिसमें चुटकी बजाकर काम होगा लेकिन सेहत खराब होगी। जब आप मशीनों पे पूरी तरह से आधारित हो जाएंगे, नई नई तरह की गाड़ियां आ जाएंगी और ऐसी गाड़ियां जो आपका घर और बिस्तर भी बन जाएंगी, तो फिर आप घर आना ही क्यों चाहेंगे। रिश्तों को खराब करता है 2023, आपको अपनों से दूर करता है 23 और मशीनों के करीब आपको लेकर आता है 2023। इससे बचने का भी सिर्फ एक ही उपाय है, हनुमान जी की आराधना, पूजा अर्चना, दान पुण्य और आप अपने आत्मचिंतन को समझिए और परिवार को टाइम दीजिए। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है वैसे ही परिवार होता है। जो लोग परिवार से और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे उनके लिए तो ये वर्ष चमत्कारी साबित होगा, लेकिन जो अपने मूलभूत जड़ों को छोड़ देंगे उनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है।